गुड मॉर्निंग राजेश, टाइम इज शुरुआत हो चुकी है नए ट्रिप की। तो पहुंच गए हम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट T3, और ये देखिए कितनी लंबी लाइन, काउंटर खुला भी नहीं है। बाय द वे, देखते हैं बिन्नी के क्या हाल है। पब्लिक अपीयरेंस वाला थोड़ा सा डर है, पब्लिक में गॉड करना होता है। Do I have option of upgrade available? Do I have option of upgrade available? Yes, charge. How much is it? Yes. Actually, क्या है कि मुझे इकोनॉमी से प्रीमियम इकोनॉमी का अपडेट मिल रहा था, उस अपडेट में आई हैव टू पे सम मनी। ठीक है, सो फर्स्ट आई ट्राई टू बुक माई विद माई क्रेडिट कार्ड जो मेरे पास फाइनेंस करता है। कार्ड की शक्ल देखिए, द लेडी सेड कि मैम सॉरी कार्ड नहीं चल सकता। ओके फाइन, फिर उसके बाद मैंने मेरे का जो HDFC का जो फॉरेक्स कार्ड है मास्टर कार्ड, मैंने वो दिखाया, वो भी नहीं चला। उसके बाद आई शोड माई डेबिट कार्ड में या मास्टर कार्ड, वो भी नहीं चला। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी, आपका डायनर्स क्लब नहीं चलने वाला, आपका मास्टर कार्ड नहीं चलने वाला। इससे हम हमारे वीज़ा कार्ड, आप वीज़ा कार्ड भी यूज़ कर सकते हो। सो काउंटर में तो मेरा मास्टर कार्ड चला नहीं, डायनर्स क्लब चला नहीं, फॉरेक्स चला नहीं। सो वेन एवर यू आर ट्रैवलिंग एंड थिंकिंग ऑफ द ट्रिप, मेक श्योर यू हैव अ वैलिड वीज़ा कार्ड, रिलेटेड टू योर क्रेडिट कार्ड और रिलेटेड टू योर डेबिट कार्ड। सो अब मैं वापस इंडिया आऊँगी, उसके बाद मेरे बैंक से उसके बारे में बात होने वाली है कि आप मेरा ये जो डाइनर्स क्लब है ना, जो कहीं काम नहीं करता, उसको बस ख़त्म करो एंड इशू मी अ फ्रेश कार्ड। एक मुझे वीज़ा कार्ड चाहिए, जब बोर्ड करेंगे सो ले चीज़ा। यहाँ पर फिलहाल तो मैं just heading towards my gate. मुझे एक बार फिर ट्राई करना है। आई जस्ट चेक विद द काउंटर, मैं भाई मास्टर कार्ड ही ले लूँगी। आज मास्टर कार्ड ही ले लूँगी है ना। चल चलते हैं। फॉर अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, आई नो आई गॉट सम ट्रबल गेटिंग ओवर यू, आई थिंक दैट आई हैव प्लेड माय पार्ट, आई नीड टू गेट अवे समवेयर फार फ्रॉम यू। तो बिन्नी की फ़्लाइट थी मुझसे कुछ घंटे पहले, उसको हुई थी प्रॉब्लम अपग्रेड करने में, वहीं मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अपग्रेड करने में, और उससे भी कम में मुझे ऑफ़र मिला बिज़नेस क्लास अपग्रेड का। तो ये हैं मेरे पर्क्स बिज़नेस क्लास के।
कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स के बाद ये था मेरा पहला मील, ये था ब्रेकफास्ट, तो आया है ये रहे फ्रेश कट और फूड्स, योगर्ट, टी और कॉफ़ी, उपमा, वड़ा, उत्तपम और कॉफ़ी विद जेली एंड बटर। सो एंजॉय करते हैं। एयरपोर्ट राइट नाउ लंदन। ओह लंदन चेकिंग में तो हॉरर स्टोरी हो गया। आई गेस यहाँ पे लिक्विड्स नॉट अलाउड, लिक्विड्स किसी भी तरह के लिक्विड्स अगर आप अपने बैग में कैरी कर रहे हो सो दैट्स नॉट अलाउड, स्पेसिफिकली यू हैव टू कीप इट इन अ पाउच। तो मेरे चेक इन लगेज में सनस्क्रीन था 100 ml, तो वो अलग हुआ, मतलब जो चेक इन वाली जब सिक्योरिटी जब चेक होता है वो चेक होने के बाद वो अलग लाइन में चला गया। अलग लाइन में जाने के बाद वो जो सिक्योरिटी वाली लेडी थी उसने पूरा मेरा सामान बाहर निकाला, मतलब मैंने जितनी मेहनत की इसको पैक करने के लिए उसने 2 सेकंड में सारा सामान बाहर निकाल दिया। चेक करते गए चेक करते गए, स्टैंडिंग थे, मैंने कुछ नहीं कहा। तो बाकी लोग जो थे ये की हो गया, ये सामान क्यों निकाल रहे हैं, की हो गया, मैंने कुछ नहीं कहा। क्या समझ में आता है कि चलो इन लोगों का काम है, इट्स ओके। पूरा A to Z सामान बाहर निकाला, फिर मेरा सन्स जो मेकअप वाला जो पाउच था उन्होंने उसको अलग रखा, उसके बाद पूरा सूटकेस दोबारा स्क्रीनिंग किया। सो इट टुक मी अराउंड 1/2 hour वहाँ पे। मेरे हिसाब से नाइटमेयर था बिकॉज आई एम नेवर फेस्ड सच सिचुएशन एनीवेयर। तो कहती कि मैम यहाँ लंदन ही थ्रू मेड्स अ पॉलिसी दैट यू कैन नॉट कीप लिक्विड्स इन योर बैग, तो बाहर निकालना पड़ेगा। मैंने कहा सनस्क्रीन इट्स नॉट अ लिक्विड, आई नो इट इज़ काउंटेड एज अ लिक्विड बिकॉज इट सीन ये ना थोड़ा थ्रेट का पर्सपेक्टिव देता। आई वाज लाइक ओके नो वरीज, बट आई हैड इनफ टाइम। मेरा फ्लाइट भी जो वहाँ से आया था वो थोड़ा ग्रुप 1 के अनाउंसमेंट हुई, मेरा ग्रुप 6 है। सो मुझे अपर डेक मिला है, ये जो अच्छी फ्लाइट ये वाली ब्रिटिश ये वाली सामने खड़ी है, इसे ये बस, मैं अपर डेक में हूँ, लोअर डेक मैंने नहीं लिया। बट ओवरऑल इट वाज गुड फ्लाइट, इकोनॉमी में मिल गई है मुझे जगह, सरप्राइजिंगली देखो प्रभु हैज़ गॉट अपग्रेडेड टू बिजनेस क्लास। ओह गॉड, मेरे को प्रीमियम इकोनॉमी तक नसीब नहीं हुआ एंड ही गॉट द बिजनेस क्लास। किस्मत की बात है, अरे वो प्रभु है प्रभु, किस्मत कोई बात नहीं, मेरा भी टाइम आएगा, जब आएगा तो मैं भी बिजनेस ट्रैवल करूँगा। अच्छा ये लोग आपको टॉयलेट्रीज में कुछ भी नहीं देते ब्रिटिश एयरवेज वाले, कतर में जैसे आई रिमेम्बर कतर और एयर इंडिया में भी थे कि फिर तो टूथब्रश, पेस्ट, आई मास्क, सोने के लिए मोजे, ये तो एयर इंडिया में भी दिया था, कतर में भी दिया था, ब्रिटिश एयरवेज वाले नहीं देते ये सब। थैंक गॉड आई वॉज कैरिंग माइन पर्स में, अपना कैरी करके चल रही थी मैं, बढ़िया से फ्रेशन अप हुई वॉशरूम में, अच्छे से ब्रश वगैरह किया एंड आई एम गुड। बट बाकी जो पैसेंजर्स थे जब मैं कर रही थी तो उसमें से एक आके बोले कि आपको मिला है क्या, मैंने कहा नहीं मुझे मिला नहीं है, मैं अपना कैरी करके चल रही थी। सो यार सेफ साइड के लिए ऑलवेज कैरी, यू नो लाइक कैरी करके चलो जब लंबा ट्रैवल होता है, यू नेवर नो कौन सी फ्लाइट आपको दे कौन सी नहीं दे, एंड इफ यू फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग देन इट्स अ लेसन फॉर द नेक्स्ट टाइम। बहुत सारी लिमिटेशंस है ब्रिटिश एयरवेज के साथ बट इट्स ओके, जैसे मैंने पहले बताया था मास्टर कार्ड वाला, मास्टर कार्ड सब चीज नहीं करते, कोई नहीं अभी दिन का समय है, आप टेक द विंडो सीट एंड होपफुली अच्छे अच्छे नज़ारे मिलेंगे, आई एम एक्साइटेड। ओके
गेट से निकलते प्रेटी मच बहुत ही खाली एयरपोर्ट लगाएंगे यहाँ से ट्रांसफ़र कैसे रहता। फिलहाल हम चले हैं अपनी गेट की तरफ जस्ट अभी एग्जिट किया। सो हमारा प्लेन अब नहीं दिख रहा, थोड़ा लेट मैंने रिकॉर्डिंग शुरू करी। जापानीज एयरलाइंस फिनएयर ट्रांसफर्स को फॉलो करते करते नीचे वाले डेक पे आ जाएंगे। और सिक्योरिटी आ जाएगी। माय सीट 873 एंड आई विल जस्ट टू शो यू काफ़ी स्पेशियस है। मुझे केबल मिल गया है, कंपार्टमेंट मिल गया, लगेज रख नहीं है। गाना बज रहा है भाई, गाने का एंजॉय करो। नाइस देख सकते हो। आई एम वेरी टायर्ड, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ। इसको बंद किया। ये मेरा क्लॉसेट देख लीजिए, नाइस क्लॉसेट, आयरन वायरन सब है। अब यहाँ से मैंने आने के बाद पता है रूम का बाथरूम की लाइट्स बंद कर दी थी। ये है मेरा वाव, चीज़ नहीं है। ये है अगर आपको शावर में आनंद लेना है तो आप शावर में भी आनंद ले सकते हैं। नाइस, कर देते हैं बंद, करते हैं क्लोज। ये है मेरा रूम। ये मैंने बैग ऐसे ही ला के रख दिया था, अभी आई हूँ जस्ट। रूम मुझे अच्छा लगा तो मैंने कहा एक रूम टूर तो बनता है। ये है मेरा टीवी, नाइस, सो नाइस। चलो अब यहाँ की ये लाइट्स एक बार मैं बंद कर दूँ, मुझे इतनी लाइट्स पसंद नहीं है। कहाँ से बंद होती है, खैर रूम में देख लूँगी कहाँ से बंद होती है, बट इट्स गुड, इट्स नाइस। सी ये है रूम, बीच का नज़ारा तो नहीं है यहाँ से, बट ये नॉर्मल ये नज़ारा है, नॉट बैड। ठीक है, अब जल्दी से थोड़ा फ्रेशन अप हो जाती हूँ। फ्रेशन अप होने के बाद हम लोगों का टीम डिनर भी है, वो भी करना है। पहले तो मैं लाइट बंद करने का जुगाड़ देखूँ, मुझे लाइट्स इतनी पसंद नहीं है, तो वो मैं जुगाड़ ढूंढती हूँ। तब तक आप लोग बने रहिए। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।